So, after having so much positive views and thoughts, next I would like to call on stage tag number 619, Gagandeep Kaur. मानो ना मनाओ जित दी एनी खुशी हारे यहाँ फिर लड़ांगा मैं अजे मरिया नहीं। ये लाइना जिड़िया ने मैं ही लिखिया ने, मैनू राइट मैं राइटर। मेरे शौक जोड़े है ने वह हमेशा ही अगे वधनते ने। मैं एक इदा के पिंड तो बिलोंग करती हूँ जिथे अभी बस नहीं जाती, टैंपू से जाना पैदा। आफ्टर फादरस डेथ मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई क्योंकि फैमिली में सपोर्ट करना सी। ग्रेजुएट हैं तो मेरे जो सुमेल है, मैंने चादर कटना, नाले बुनना और दरिया बुनना, ये सब कुछ आता है, साग बनाना सब कुछ आता है। तो फिर मैं सोचा थोड़ा मॉडर्न भी बनया जाए, तो फिर मैं एयरलाइन डिप्लोमा किया। तो उस तो बाद मैं वीज़ा कंसलटेंट का काम किया, 6 साल मेरा ऑफिस रहा। तो रब ने एक इदा की फैमिली दी है जी कि उत्तराखंड रुड़की के रही है, जिन्हें मैंने बहुत सहारा दिता। तो अज मेरे खाबा पूरा करने में वही मेरी हेल्प कर रहे हैं। दैट्स वाई मैं इत्थे। जजेस सवाल करना चाहिए। तुसी गले जो पाया इनू की कहते? मैं वैसे ये मॉडर्न ज्वेलरी हो गई है, बट अगर इन्ना करता तो मुंडिया वाला कैंठा होंगे। ओके, तो कुड़ियां वाला जो होंगे तो तवीतरियां हो जाती ने और तवीत हो जाता है। तो काफ़ी सारी ज्वेलरी जी है कुड़ियां की है। कौर कौर का मीनिंग दस दो शॉर्ट में। कौर का एक्चुअली ये पिछे भी स्टोरी है। वैसे मैं शर्मा फैमिली तो बिलोंग करती हाँ, तो साढ़ा पिंड जोड़ा है तपड़ा वाला है जिथे अज भी बेंच नहीं है। तो मैं सरदार पिंड के जिथे सारे ही सरदार रहते सी। तो टीचर को जो भी नाम दर्ज कराया जाता सी तो सिर्फ अगला नाम दस्या जाता सी कि है गुरप्रीत कौर, रमनदीप कौर। जो मेरे दादी दसनगे उन्होंने लिखा गगन, तो मास्टर ने लगा दिता गगनदीप कौर। पर मेरी फैमिली में इस चीज़ से बहुत मान महसूस होया क्योंकि मेरे दादाजी भी जोड़े ने राइटर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर कौर लग गया तो मान रखी, शर्मा ना कहीं तो कौर ही रखी। तो अज मेरा कौर ही है। तो कौर जोड़ा है वो सुमेल है, हिम्मत का, ताकत का, अणख का और परदे का, शर्म का। अगर तुम यह सुमेल बन के चल सकते हो तो तुम कौर हो, अगर लचर तो फिर तुम कौर नहीं है। क्या बात है। Thank you, thank you. So Neha 620. मेरी मैरिज जी लुधियाना शहर में हुई है। तो मैं तो मेरे हसबैंड इतने चंडीगढ़ में ही रहते हैं क्योंकि असं दोनों वर्किंग हाँ। मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BTech है। तो मैं करियर वाइज एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ, वैबसाइट से एप्लीकेशन डेवलप करती हाँ। तो इतने आना मेरा एक सुपना सी, तो सुपने को जीने लिए मैं इतने आई हाँ। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि तुहानू पता है कि कुड़ियां दे विआह विच जिहड़ा गीत गाया जाता उन्होंने की कहा जाता है? हाँ जी, हाँ जी दसो। ओके, तुहानू कोई सुहाग आंदा है? आंदा तो नहीं, मैंने पता है निक्की निक्की बूंदी वाला मी बड़ा कुछ इस तरह का कुछ है। मामा और दादी सुने मैंने नहीं आता। ओके, निक्की निक्की बूंदी निक्की निक्की कणी। बहुत सॉरी। ओके, तो मुंडियां दे विआह विच जिहड़े गीत गाए जांदे ने उन्होंने की कहा जाता? उन्होंने घोड़ियां कहा जाता है। घोड़ियां दी कोई ऐसा नहीं मुझे याद नहीं है। ब्रदर ब्रदर छोटे बड़े? हाँ जी मेरे ब्रदर बड़े ने वो न्यूजीलैंड रहते हैं। ओके उन्हां दा मैरिज हो चुकी है हमारी? हाँ जी हमारी मैरिज उन्हां दे मैरिज कुड़ियां नहीं गईयां थी नहीं एक्चुअली मम्मा उन्हां ने गईयां थी। मैं वैसे भी सिंगिंग मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं लगती मैंने कि मैं उन सिंगिंग करा उसलिए नहीं लेडी संगीत से सारे गा लेते सारे ट्राई करते हैं। उस टाइम पे है मतलब एक नॉर्मल लट्ठे दी चादर इस तरह तो मैनू आता है बट स्पेसिफिक चलो लट्ठे दी चादर आता है सुनना चाहोगे? मेरी आवाज बहुत कोई गल नहीं बहुत अच्छी आवाज। ये कॉम्प्लीमेंटरी क्वेश्चन है आंसर तो सही देता सुहाग ते कुड़ियां वो सही होया तो कॉम्प्लीमेंटरी है। चलो ठीक है। लठे दी चादर उते सलेटी रंग मारिया आओ सामने खोलो दिरस के ना रंग मारिया। थैंक यू सर। आप कुड़ियां याद कर रहे हो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਹੋ ਕਿ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦੀ ਰਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਬਣਨਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ यू दोस्तों कहते हैं कि जितना गुड़ डालो उतनी मिठास बढ़ती है और अब इस ऑडिशन में मिठास बढ़ाने के लिए आ रही हैं प्रिटी वुमेन गुरप्रीत कौर टैग नंबर 621। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है, मैं जीरकपुर तो आई हूँ और मेरी मैरिज में 11 साल हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे ने, एक बेटा एक बेटी और मैं बुटीक चलानी है। रब ते की विश्वास कर दो एक मैंने शॉर्ट फॉर्म दे विच दस दो कि रब की है एक मीनिंग दे मतलब एक वर्ड दे रब दा दूजा नाम। मैम जिस तरह गुरपाल मैम ने दस्या सी कि रब तां साडे अंदर ही है तां मैनूं भी यही लगदा है कि परमात्मा साडे अंदर ही है सानूं ओहदे लई मतलब किते इह हो गया सी आंसर। और कोई? हाँ जी और कोई आंसर? और वैसे मेरे अकॉर्डिंगली जो मैं आंसर दवा तो रब का दूजा नाम है कुदरत नूं कवांगी। सो एग्री कि मैं तो कुदरत नूं कवांगी क्योंकि कुदरत दे विच सब कुछ आ जाता है। आई थिंक रब का नाम एक विश्वास है तुसीं किसी इंसान ते विश्वास करते हो तुसीं ओहदे बिल्कुल रब दे यस विश्वास सब तो पहला जो आप हर कोई करने वाले शैतान दे विच भी विश्वास करते हैं है ना ते करने वाले रब दे विच भी विश्वास करते हैं पर वो रब ते विश्वास करने वाले ही अगे मतलब कि अपना सक्सेस होंदे है ते उन्हां दा हर काम सक्सेस होंदा है। ते एक क्वेश्चन और पूछांगी बिल्कुल चेंज पंजाब दा प्रधानमंत्री कौन है? चलो आइडिया गैस ला दो। पर्ची भी ला सकते पर्ची भी जे किसी तो कुछ ना पूछ लो कोई चक्कर नहीं। प्रधानमंत्री लाइफ लाइन मिली आपको प्रधानमंत्री कोई है ही हमारे यहाँ। अगर मैं पंजाब के प्रधानमंत्री की गल करा तो मोदी जी ही है सारे इंडिया के प्रधानमंत्री पर मैं उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह गया मैं सुन लिया नहीं बट अकॉर्डिंग टू उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा था ठीक है थोड़ा नर्वस हो जाता स्टेज एक चीज़ ही है ना। चलो ठीक है थैंक यू जी। की बात है स्टेज की, यहाँ पे थोड़ा तो नर्वस लोग हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ सभी कंटेस्टेंट्स मेरे को ये बताएं कि कौन आज की विनर होगी। मैं चाहता हूँ कौन सा टैग नंबर होगा, कौन से विनर है, मैं चाहता हूँ कंटेस्टेंट्स बताएं। 604 बस एक ही नाम, इतने सारे कंटेस्टेंट्स हैं, कौन जीतना चाहता है? आई वॉन्ट टू हियर इट लाउड। वो कहने ने की पंजाबी आदि बैटरी, पंजाबी आदि बैटरी चार्ज करती है। तो नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा टैग नंबर 622 रितिका को। चंडीगढ़ तो बिलोंग करती हाँ, ते बाई प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ते आज मेरे गया 3 महीने पूरे हो गया। ते मैं रिसेंटली लाइक मार्च दे विच अपना गुरदासपुर एक वो होया सी, कंपटीशन होया सी सुनखी मिटिया का। उत्थे मैं टाइटल वन किया सीगा मिठी पंजाबी बोली का। ते 2016 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਸ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਔਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ 2 ਚ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਨਾ। ਪਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਡਲਸ ਥਰਡ ਲਾ? ਬਿਕਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ रखा होंगे सब का फेवरेट क्वेश्चन होंगे, वो वेट कर रहे होंगे कि आ क्वेश्चन आ जाए तो आप 4-5 पेज का भर आने है कि नहीं? नहीं है फिर कंपार्टमेंट का नहीं सिर्फ कंपार्टमेंट। एक्चुअली अभी 3 मंथ्स हुए हैं मेरी शादी को, तो अभी सब भूल चुकी हूं। तो अभी रिसेंटली मीटिंग में गया तो बस मैं हले एडजस्ट कर रही हूं हले तो। ओके, वैसे जेडे पे होने किसी ना नॉन मेडिकल किता होया, जेडे अगे रह गए, जेडे अगे रह गए कंटेस्टेंट अच्छा मैं पूछूंगी। पूरा नहीं सुना तो मेरा मैं आई कैन नॉट, मतलब मैं लिख नहीं सकती चंगी तरह, मैं बस जिन्ना पढ़ सकती है ते मैं बोल भी सकती है पंजाबी। और टाइम टीवी चढ़दी गला टाइम टीवी हुंदा सी ना, ओदे ते आंदा हुंदा नहीं आई डोंट वॉच और नहीं समझ। मैं तो उधरों सुन सुन के उड़ाड़ा सीखा। नहीं उड़ाड़ा मेनू ऐसा पता उड़ाड़ा साग, बट मेनू ऐसा नहीं है, मैं बस जिन्ना मैं आप सीख सकी मैं सीखा। बट मैं कदे पढ़ी नहीं जाती। जिन्ना मैंने एग्जांपल देने ली दसता ना, कईयां नु इन्ना भी नहीं आंदा हुंदा। नहीं मैं मतलब इन्ना क मैं पढ़े अपना आप सीख ली। किस ऐसे सुना दो थोड़ा या बड़े पहली लाइन नहीं आंदी बड़ा एड़ा साहब। ओ नहीं फिर हो गया रखा तो भूल गए हो गया फिर रितिका जी। ओके चलो फिर इस खुशी पूरा एड़े दी जेडी ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨ ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਨੇ ਰੀਅਲ ਨੇ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਚ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੋਦੇ ਮੀਆਂ ਬੱਬੂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਜਵਾਈ। उड़े एड़े दी लड़ाई इड़ी डांग लैके आई, देखी पैदी अंच पेड़ा जे कोई साडे विच आई। एड़े दी लड़ाई इड़ी डांग लैके आई, देखी पैदी अंच पेड़ा जे कोई साडे विच आई। वेल दोस्तों, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसी भी चीज को धरती पे खींच लेती है। कमाल की धरती की अट्रैक्शन है, और पंजाब की धरती ना ही हिंदुस्तान और बाहर के पूरे वर्ल्ड में लोगों खींच ही लाती है। कमाल की धरती है पंजाब की। और अब मैं नेक्स्ट पंजाबन को बुलाना चाहूंगा, टैग नंबर 623 प्रियंका। देखे हैं। मेरे पापा हिमाचल तो हैं, मम्मा मेरे लुधियाना तो हैं, तो मेरे इन-लॉज हरियाणा तो हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सारा कल्चर देखा हुआ है। और प्रोफेशनली मैं एक एनजीओ चलानी है और एक अकेडमी चलानी है, ट्यूशन्स पढ़ानी है। और रही मतलब लास्ट फ्राइडे को मैं हिमाचल मिसेज हिमाचल 2018 की फाइनलिस्ट थी, तो फिर सब टाइटल जीत के आई हूँ मिसेज परफेक्ट। तो उसके बाद मैं फेसबुक पे आके देखा तो कुछ लोगों ने कहा कि पंजाब का है, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। सब जगह इक्वल जहे लोग हैं, सिर्फ फर्क कितने का बोली का और थोड़े पहनावे का। और उथे मैं जिदा हिमाचल च गई थी जिदा सबने सपोर्ट किया, उन्हें भी सेम चीज़ वही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और मैं अपनी पर्सनली करूँ जिदा मैं मेरी मम्मा लुधियाने तो थे, तो छोटे होंदे नानके जांदे होंदे सी, तो उत्थे हर चीज़ ना पंजाबी च लिखी हुंदी सी, तो मैनूं बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना आंदा था। फिर मेरे नाना जी ने ना मैंने कहता दिता तो कहते बच्चा तेरू पढ़िया कर, फिर मैं तो पढ़ के ऊड़ा अड़ा इडी ससा हा काका गगा काका तो थोड़ा जानता है, बट हूँ बेसिकली लिख नहीं सकती जो फैक्ट है। पर मैं पढ़ लेनी है जोड़ के, मतलब कुछ भी अगर लिखा होवे तो अपने लायक है या मैं पंजाब से चल जाता मैं इधर उधर मतलब किसी को पूछने की लोड़ नहीं, मैं खुद पढ़ के कितने भी जा सकती है या कुछ भी कर सकती है। बड़ा चंगा है ना क्वेश्चन टेबल में पूछन जो कुछ हड्डे ही नहीं ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ what is Newton's thought। अच्छा मैं कर रहा हूं बड़ा रिएक्शन देयर इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कुछ भी करो, अगर किसी को प्यार दोगे तो बदले में प्यार ही मिलेगा, जे किसी को नफरत दोगे तो बदले में नफरत ही मिलेगी। अच्छा बाय चांस कोई ਤੁਸੀਂ Song ਦੀ एग्जांपल देनी होवे फिर की दोगे एक्शन रिएक्शन वाली। एक्शन रिएक्शन वाली मुकाला मुकाबला ओला ला ये फिर अभी ध्यान में आया। ओके जे पंजाबी च देनी होवे पंजाबी गाने दी पंजाबी च इको वाला सीगा ना NPU वाला Song समथिंग लाइक वो पीछे खड़े ने वो कह रहे हो सो तेरी जट्टी चलदी नहीं अकड़ा रख ली प्यार नाल जीवे मरसी उत रखना पड़ना ना। ये सिर्फ एक्शन नॉट डायरेक्शन पहला लई दा नहीं फिर पीछे हटी दा नहीं जदों पंगा पै जाए। आई थिंक मेरी लैंग्वेज का एग्जांपल बनेगी सही है। थैंक यू। पंजाब की What is Punjab? अच्छा पंजाब मेरे लिए as it is जितना हिमाचल है same as it पंजाब है। जो अपने जो भी उत्तरी लोग हैं उन्होंने अपना अच्छे संस्कार दिंदा है, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करवांदा है, ठीक है, और अच्छा इंसान बनांदा है, जो कि हर जगह सेम ही है अकॉर्डिंग टू मी। बस इंसान को दिल तो चंगा होना चाहिए। पंजाब नाम किवें पिया इदा तक नहीं नाम सॉरी मैनूं पता है। पंजाब नूं धरती किहड़ी किन्ने पानिया की धरती कहते हैं। तुम हम सारे ना पर्चियां दी चलो हिमाचली Song आता है कोई नाम नहीं है इट इज नहीं आता। कौन सी लैंग्वेज की है पहाड़ी मतलब मेरी साढ़े जितनी आते पंजाबी बोलते हैं। इट्स ऑन द बॉर्डर कि अगर तुम आधा घंटा जाओगे तो हरियाणा पै जाएगा, आधा घंटा जाओगे तो पंजाब पै गया, हिमाचल तो है ही नहीं। So something कुछ हिमाचली बोल सकते हो कुछ भी about yourself only। नाम मैंने ज़्यादा पहाड़ी में ही आती है मतलब हिमाचली कोई Song आता होगा कमिंग विच थोड़ा यू नो आ रहा सीगा चाचा रहे हिमाचली। थैंक यू मैम। You won the title for what Miss Perfect हिमाचल जी मैम लास्ट फ्राइडे। ओके तो उसे देखा ही क्योंकि मैं हिमाचली मैम एक्चुअली सच्ची सर जब फिनाले सी तथा स्टेज के पीछे सी हालत ही खराब सी तब कुछ नहीं देखा। पर हाँ बहुत मतलब मैं हर चीज़ मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर एक ही चीज़ करती हूँ। अगर मैं अपनी पर्सनली गल करा मैं गुरुद्वारे भी नहीं जाती हूँ, मस्जिद भी उन नहीं जाती हूँ, मंदिर भी उन नहीं जाती। ताई तो कहती हूँ पंजाब फेवरेट लैंग्वेज तेरा तेरा जो यू कैन स्पीक मैम डिपेंड ऑन द पर्सन। जिदा हूँ मैं उन्हें पंजाब में रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं पंजाबी बोलांगी, जो भी पर्सन मेरे को आता है जिन्होंने हिंदी आएगी तो मैं उन्हें हिंदी बोलांगी। हाँ कोई और आता है जब मेरे अकेडमी कई लोग आते हैं बच्चे बारे पूछन और कुछ ज़्यादा हाई फाई मतलब पेरेंट्स होंगे तो मैं उन्होंने इंग्लिश भी बोलती हैं। अच्छा जी तुसी बाय प्रोफेशन एनजीओ गया सी। हाँ जी सर एनजीओ चलानी है मैं। सकते हो कि सर एनजीओ दी मेरी एक फ्रेंचाइजी है इधर हरियाणा तो मैं फ्रेंचाइजी लीती हुई है तो असि की करते जेडे झुंगी झोंपड़ी वाले बच्चे होंगे हैं तो पहला असि कोशिश करते थे कि उन्होंने मैं अपने मेरा इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट च बुलावा पर सर क्या कहते लोग ना ज़्यादा मतलब अच्छा काम कर नहीं देंगे तो लोगों ने मैं उत्थे एक होर एनजीओ सीगा जो रजिस्टर्ड सीगा तो मेरे पास 20-25 बच्चे आने लगे लोगों ने उन्होंने आना बंद कर दिया। मैं पूछने बाय प्रोफेशन तुम होंगे तो आप करते हो? नहीं सर ना कुछ भी प्रोफेशन सर मतलब वो मेरा एक जज्बा है मैं वो चीज साथ-साथ करती हूँ वैसे मैं अपनी कमाई करती हूँ मेरा इंस्टीट्यूट है ट्यूशंस पढ़ा के और डांस करती हूँ। एनजीओ प्रोफेशन के तौर प्रोफेशन में ये मानती हूँ कि वो मेरा एक करता प्रोफेशन का मतलब क्या होता है सर कि जो चीज हम खुशी से करते हैं अपने लिए करते हैं डजंट मैटर कि मैं पैसे कमाने के लिए वो कर रही हूँ फिर वो आपका पैशन है उसी भी दोही कह रहे हो भाई शौक ना बनाना तो फिर प्रोफेशन हो ये तो ये पूरी तरह एक्चुअली इन्हां दे मैडम पानी गर्म करके रख दे शाम तक यू नो फॉर व्हाट काले वास्ते मैम चलो बात करें डॉगर किलो गंदो हां जी डॉगर डॉगर डॉगरी किलो गंदो डॉगी लैंग्वेज है कितों दी डॉगरी हरियाणा दी मेरी नहीं मुझे याद नहीं पक्का पक्का तो बोलो कितने थे हिमाचल तो जितने तुसी रहते हो उतने की बोलते हैं ऐसे पंजाबी बोलते हैं सर तुम जैसे ना बिल्कुल होते हैं तो पंजाबी है साड़ी मेन प्रो है कल्चर मेरा ज्यादा हिमाचली नहीं है ना मेरा हिमाचल कोई रहता है सिर्फ ऐसी बॉर्डर तो उतनी है चलो हरियाणवी सासे तो हां जी सर हरियाणवी कोई बोली सुना दे सर ज्यादा नहीं आंदी बस वो कहते हैं तेन तन्ने पता नहीं लगता कि तन्ने क्या करना सी बस इन नहीं आंदा वो भी मेरे ससुर जी बोलते हैं तो मुझे नहीं आंदा बस उसी की किताब स्टडी की सर मैं एमएससी मैथ्स हूं एमबीए हूं बीएससी बीएड हूं एमए इंग्लिश हूं और पीएचडी परस्यू कर रही हूं इंस्टीट्यूट का सॉरी इंस्टीट्यूट का चला सर ट्यूशन एकेडमी है और डांस एकेडमी है ट्यूशन उसी मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन करो बहुत अच्छा कर रहे हो सर आई वाज इन द बैंक वाओ एक्सिस में थी फिर मेरी पर्सनल लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी कि उस टाइम मैं अपना प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ दोनों इकट्ठे नहीं हैंडल कर सकती थी दैट्स व्हाई मुझे एक्सिस से अस्कॉन्टिंग होना पड़ा था मतलब एक तरह से भिगोड़ा होना पड़ा था तो उसके बाद मैं कुछ टाइम ज़्यादा सीरियस उसी नहीं लास्ट अगर तुम्हारे हस्बैंड को एक रिवॉर्ड देता था जावे तो हमें कंट्रोल करना होगा तो तुम्हारी किसी चीज़ को कंट्रोल करेंगे वो किसी चीज में कंट्रोल नहीं कराएंगे मुझे बहुत पसंद करते हैं वो कारी निसार दे दो चलो चलो अभी नहीं कर पाए उन्होंने तो की कर कंटेस्टेंट नंबर 624 गुरलीन मेरा नाम गुरलीन कौर है मैं जन्म पल मेरा सारा कुछ अमृतसर का है मेरे ब्याह 7 महीने होए मेरा ब्याह 31 दिसंबर 2017 होया सी मैं असली इस चीज़ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ और अचानक उस दिन संडे आ गया सी असं वो डेट डिसाइड कर ली बाकी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लविंग है मैं आज आई हाँ ना ही मेरे पेके किसी को पता है ना ही मेरे सौरे किसी को पता है क्योंकि मैं 2 बारी पहला सोचा पहला अमृतसर तो ट्राई करना है तो पेके दस्या सौरे दस्या फिर सोचा जलंधर तो ट्राई करना है तो दस्या दोनों पासे जा नहीं सकी इसलिए हम इस बार सोचा दसना ही नहीं जे घर जाके दसा नहीं तो दस बस ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਓਕੇ ਨਾਈਸ ਗੁੱਡ ਵਨ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਕਲਰ ਸਾਡੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਟ ਔਰੇਂਜ ਮਿਕਸ ਦਾ ਕਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ पंजाबी गुरमुखी भाषा जी अपन नु कहिए अमृतसर दे हो के अमृतसर दे हो मैं अमृतसर कह लो अमृतसर कह ले मैं अमृतसर दी है मैं कहां पूछे अच्छा अच्छा ठीक है मैं मैंने जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ एक्चुअली मेरे टीचर ਸੀ उन्होंने इंची सिर पे दुपट्टा लेके हर टाइम उन्होंने मैं फॉरेस्ट कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ। हाँ फॉरेस्ट को मैं जिठा रोड फॉरेस्ट कॉलेज और कॉमर्स से उठे। मेरे सवाल दे जवाब दे वापस। मैनू नहीं अदा कलर दा नहीं पता। 10 ग्राम तुसी केसरी रंग हुंदा बट एक प्रॉपर केसरी कलर नहीं आ रहा तां करके नहीं मैं क्या वो केसरी और जड़ा सिरोपे दा रंग हुंदा ना मैं ओनू केसरी प्रॉपर कहा जांदा। उस सिरोपे दा रंग थोड़ा फर्क हुंदा मैं इसलिए वो कलर नहीं बोलिया। ते अंबरसर ते कोई बोली सुना दे। हाँ और तो भी किसी फेमस चीज ना रिलेटेड कोई गाना बोले। टप्पे आंधी आई वारी टप्पे आंधी आई वारी मैं कुड़ी अंबरसर दी टप्पे आ तो ना हारी मैं कुड़ी अंबरसर दी टप्पे आ तो ना हारी। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹੋਰ ਪਰਚੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਟੜਾ 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 ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਾਪੜ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਿਰੋਪਾ। ਹਾਂਜੀ ये सही प्रोनाउंसिएशन होती है सिरोपा कहते हैं सिरोपा यही कहते हैं सिरोपा एने हो जाने अभी कंफर्ट हां सिरोपा जी बोल रहे हैं सिरोपा होता ठीक है थोड़ा जा हां जेडे धर्म नाल जुड़े हैं जेडे कल्चर नाल जुड़े सब पहचान जरूरी है। चलो ये दसो अमृतसर दा नाम अमृतसर क्यों होया? ए सर गुरुआं दी धरती है बाकी क्यों नाम पे मैंने पता इतने मेन तो उन्होंने जोड़ा सरोवर है अमृतसर का उद ही है बाकी नाम क्यों पे मैं बेसिकली नहीं क्योंकि मैं अमृतसर तो सर एवं सारे जिमें मर्जी बोल देंगे हूँ असी जेडे थोड़े बोलना होंगे ना अमृतसर से गए हैं वो गल मतलब थोड़े पिंड वाली साइड ਤੇ ਤਰਿੰਜਨਾ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਰਿੰਜਨਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਰਿੰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤੀਆਂ ਤਰਿੰਜਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਤਾ ਤੀਆਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਿੰਜਨਾ ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਿੰਜਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਗਾ ਝੂਲਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਕਿ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਬਟ ਆਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਹਾ मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ मैं बाहर भी बोलिया मेरे लिए कुछ लिखा सी स्पेशली मेरे वास्ते मेरी मैरिज टाइम पे और उस चीज़ को आज वो पूरी तरह मतलब वो निभा भी रहे जो उन्होंने लिखा जो उन्होंने उत्थे गाया उस चीज़ से मतलब मैनू मान है कि उन्होंने उस पूरा मैनू उस चीज़ से अगर उन्हें सारे सामने कही सी ना उस चीज़ को पूरा किया। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀਆਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਉਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਰ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। सर एक्चुअली ना मैं कभी पिंड देखा नहीं मैं कभी गई नहीं मेनू शौक बहुत ज्यादा। हां जी कितनी बाई करी ना कर जन कभी बाई ना ना टाइम नहीं सर इट्स अ मॉडर्न वर्जन अपनी अपनी चॉइस है कि अपने आप को एंटरटेन करने के लिए ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। हां जी हां ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰਕ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੱਤ देश दुनिया के फैसले उत्ते बैठे होंगे। चलो तुहाडे कोल भी एक कोई सवाल है भी तुहाडा ये हस्बैंड अगर रिमोट दे दिता जाए हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਬੋਲ ਪੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਚਲੋ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਆਖਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਡੋਲੀ ਟੈਗ ਟੈਗ